हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे 18वें अध्याय के 48 नंबर श्लोक से लेकर, पिछले बार हमने 47 नंबर श्लोक पर चर्चा किया था। कुछ पॉइंट्स याद है पिछले क्लास का परसों का? खिड़की खोल देना है दोनों, कोई डर से। पूरा खोल दो, वो भी हाँ। हरे कृष्णा। हाँ तो बताओ। उनके जो कर्तव्य है भलाई, वो यदि गलत ढंग से भी करते हैं, यदि कम इससे भी करते हैं, लेकिन वो करना उनका उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदारी है। सहजम कर्म कौनते दोषम अवृत्ति सर्वारंभ दोषण, वो तो आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दूसरों का धर्म को अच्छा से निभाने से भी अच्छा खुद का धर्म को भले दोषपूर्ण रूप से भी करें तो वो बेटर है। तो अपने कर्म के माध्यम से सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है, वो भी हमने चर्चा किया था। अपने कर्म के आचरण के माध्यम से सिद्धि कैसे प्राप्त करेगा कोई? सभी के अलग अलग अपने वर्ग क्या, उसका जो रिजल्ट यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अपने कर्म से भगवान की को अर्चना करना, सिद्धिं विन्दति मानवः, उससे वो सिद्धि को प्राप्त करेंगे। चलो आज 48 नंबर श्लोक से देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सहजम का मतलब यह है जो आपका धर्म है, जो आपके स्वभाव के अनुसार जो है सहज, सहज जा यानी पैदा होना, सहज यानी साथ में पैदा होना, जो साथ में पैदा हुआ। साथ में क्या पैदा हुआ? धर्म, आपका नेचर पैदा हुआ ना। ऐसा नहीं कि पहले आप पैदा हुए उसके बाद नेचर बाद में आया, ऐसा नहीं, दोनों साथ में ही आए। तो इसलिए उसको सहजम बोलते हैं, यानी आपके स्वभाव, हाँ स्वाभाविक जो कर्म है, आपके स्वभाव के अनुसार जो कर्म है। हाँ सदोषम अपि न त्यजेत्, उसमें अगर दोष हो तो भी उसको छोड़ना नहीं। देखिए पूछ रहा था हेमांकुर उस दिन कि स्वधर्म का मतलब क्या है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है वो है। मैंने कहा नहीं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका स्वधर्म है। स्वधर्म क्या हो, जो आपका गुण के अनुसार जो है, जो वेदों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है आपके गुण के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार, वो स्वधर्म है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के अंदर लक्षण ये हो सकता है कि वो ब्राह्मण है पर वो गरीबी नहीं चाहता है, इसलिए वो क्षत्रिय बनना चाहता है, क्योंकि क्षत्रिय बनने से उनको अच्छा मतलब लोग मतलब बड़े पोजीशन में रहेगा, आलीशान बंगले में रह सकता है, दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा सोच के वो क्षत्रिय बनना चाहता है। उनको इंटरेस्ट क्या है, क्षत्रिय बनने में इंटरेस्ट है, पर उसका स्वभाव वो नहीं है।
तो उसको इंटरेस्ट है ऐसा बोल के उसको स्वधर्म नहीं कहा जा सकता है। हाँ, किसी के अंदर वैश्य बनने की इच्छा है लेकिन उसको बिजनेस करना ही नहीं आता, उसका वो नेचर नहीं है बिजनेस करने का, लेकिन करना चाहता है वो, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता, उसका नेचर के हिसाब से होता है। कई बार लोग दूसरों को इमिटेट करना चाहते हैं, दूसरों को अनुकरण करना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण बनना चाहता है, वो भी मतलब उनके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी नहीं है, पर ब्राह्मणों को क्योंकि लोग सम्मान करते हैं इसलिए वो भी ब्राह्मण बनना चाहता है, ये सही नहीं है। पर गुणों के अनुसार, इसका मतलब ये नहीं कि जन्म के आधार पर होता है, सहजम, सहजम का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो ब्राह्मण हो जाओगे, ऐसा नहीं, लेकिन आपका गुण। तो सदोष विरज्य, उसमें दोष भी होगा तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या बोले, सर्वारंभा ही दोष है ना, आरंभा यानी कार्य, जो भी आप आरंभ करते हो, शुरू करते हो, जो भी कार्य करते हो, सभी दोषेण आवृता, दोष के द्वारा आवृत, कैसे, धूमेन अग्निरिव, यानी अग्निरिव, अग्नि आग यानी आग किससे ढका हुआ रहता है, धूमेन यानी धुआ, धुए से जैसे आग ढका हुआ रहता है, आग तो बहुत शुद्ध है, प्योर होता है, अग्नि सबसे पवित्र होता है, इसलिए सीता को भी अग्नि परीक्षा किया गया ना, तो कितनी इनकी पवित्रता को परीक्षा करने के लिए, आग सबसे पवित्र होता है लेकिन धुआं पवित्र नहीं होता है। लेकिन आग पवित्र है लेकिन फिर भी धुआं से ढका हुआ है, उसी प्रकार से हर कार्य में कुछ दोष रहता है, भले आप अच्छे कार्य कर रहे हो, भगवान भले भगवान का पूजा कर रहे हो, सबसे पवित्र चीज़ है, लेकिन उस पर भी अपराध होते हैं। अगर आपने कुछ प्रसाद बना दिया, भगवान को भोग नहीं लगाया, खुद खा लिया, तो क्या हुआ, अपराध हुआ ना, कुछ अनजाने में भी होते हैं, कुछ जानबूझ के भी होता है, अनजाने से अपराध होता है वो भी अपराध है, वो भी अपराध है। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए जानने के लिए कि क्या अपराध है, क्या कैसे बचना चाहिए, तब समझ में आएगा कि क्या क्या हमें कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र में सब बताया कि कैसे पूजा करना, कैसे नहीं करना। तो कहने का मतलब कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावर्ता, सभी हर कार्य दोष के द्वारा आवृत है, जो भी काम करोगे उसमें कुछ दोष रहेगा, गुण दोष रहते हैं, है कि नहीं। भक्तिरसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी समझाते हैं कि जो वैष्णव हैं, वैष्णव कैसे होते हैं, चांद जैसे होते हैं, चांद सबसे शीतल और सुंदर है लेकिन चांद में भी दाग होता है, तो वैष्णव शुद्ध है, शुद्ध भक्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर दोष नहीं है, चांद होता है, लेकिन वैष्णव भक्त जो है ऐसा कहता है कि वो जो दाग है, दाग को देख कर दागी है इसलिए चांद अच्छा नहीं है, बल्कि चांद का दर्शन नहीं करते हैं क्या, चांद का फायदा नहीं उठाते हैं, अरे इसमें दाग है बोल के, नहीं इसमें दाग है लेकिन उस दाग से उसकी सुंदरता और उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं होती है, फिर भी चांद सबसे सुंदर माना जाता है। तो इसी प्रकार से वैष्णव जो है उनके अंदर अगर दोष है, उन दोषों से वैष्णव का जो गुण है वो कम नहीं होता, और इसी प्रकार से कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो जो दाग है वो दाग उसका सुंदरता को और बढ़ाता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कुछ और वैष्णव ऐसा कहते हैं कि नहीं, दाग तो दाग ही होता है, दाग तो हमेशा खराब ही होता है, लेकिन वो जो दाग है उससे उसकी सुंदरता कम नहीं होती, ये दो अलग अलग विचार हैं, लेकिन दोनों एक बात से सहमत हैं कि दाग से उनकी सुंदरता कम नहीं होती है।
लेकिन कुछ वैष्णव ऐसा कहते हैं कि वो दाग भी, दाग को सुंदरता को और बढ़ाता है, या दाग असल में अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ और वैष्णव कहते हैं नहीं, दाग अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन उससे उनकी सुंदरता कम नहीं होती। दो व्याख्या, यानी कहने का मतलब है कि जो वैष्णव के अंदर जो बुरे गुण है ना, तथा जैसा हमको लगता है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई संस्कृत का श्लोक बोल रहा है, संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं तो उसके अंदर सही उच्चारण नहीं कर रहा, या सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं, तो ये एक प्रकार का दोष है। उससे उनकी भक्ति की प्रभाव कम नहीं होती है, लेकिन इसको सही भी नहीं कह सकते। अगर मान लो कोई हिंदी में प्रवचन दे रहा है मेरे जैसा कोई, पर मुझे हिंदी आती नहीं, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलती तो हो जाता है। का की जगह की हो जाता है, की जगह का होता है, वो सबसे डिफिकल्ट है हिंदी में समझना कहाँ का होता है कहाँ की। तो ऐसे दोष होते हैं, उसको आप क्या कह सकते हो, ये भी सही है? नहीं, सही नहीं है, गलत तो गलत ही है, लेकिन उसका उससे उनका जो संदेश है, उसकी जो भक्ति है, उसका प्रभाव में कोई कमी नहीं होती। ऐसा प्रभुपाद जी के इंग्लिश, अगर सिर्फ इंग्लिश की दृष्टि से कोई देखा जाए, कि अगर कोई इंग्लिश का स्कॉलर देखे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में, बोले क्या बोल रहे हैं, जैसे जयद्रथ महाराज तो एडिटिंग की है ना, प्रभुपाद के बुक्स को एडिट किया है, तो वो कैसे बोलना उसके बारे में एक सेमिनार दिया था, फ्रैंकली स्पीकिंग और समथिंग, नॉट फ्रैंकली, तो आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा उसका नाम, लेकिन एक सेमिनार दिए थे जयद्रथ महाराज, मैंने सुना था बहुत साल पहले। उसमें वो बोलते हैं कैसे बोलना है और कैसे लिखना उसके ऊपर, तो फिर उनमें उस डिवोटीज जो लेक्चर देते हैं या इंट्रोडक्शन देते हैं या कुछ लिखते हैं, उसमें बहुत सारे गलतियाँ बताते हैं कैसा नहीं करना है, बहुत स्ट्रिक्टली बताते हैं, बोलते हैं ऐसे जो भी करेगा वो गलत है, एक्सेप्ट प्रभुपाद, एक्सेप्ट प्रभुपाद, प्रभुपाद छोड़ के कोई भी ऐसा करेगा तो गलत है, ऐसा बोलते हैं। यानी प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो दोष है, लेकिन प्रभुपाद क्योंकि शुद्ध भक्त हैं इसलिए उनको हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन फिर भी वो दोष है, मतलब वो गलत है। पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर कार्य में ऐसा गलत, ये तो एक छोटी गलती, ये तो ग्रामेटिकल गलतियाँ हो सकते हैं, और भी कुछ गलतियाँ हो सकते हैं, भक्ति में भी हम बहुत गलतियाँ करते हैं, कमियाँ होते हैं, अपराध होते हैं, और हर विधि को हम परफेक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं। हरिभक्त विलास पढ़ रहा था मैं परसों, उसमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डर लगता है। बोलते हैं स्नान करने के बाद 2 बार आचमन करना चाहिए, उठने के तुरंत बाद आचमन करना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, कब 2 बार आचमन करना चाहिए, कब 1 बार करना चाहिए, और खाने से पहले, खाने के बाद, हर जगह पर स्नान करने के बाद बता रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं हरिभक्ति विलास में, ये तो छोटा है लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं, और लेकिन ये अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखा है, उसका नाम ही हरिभक्ति विलास है, यानी हरिभक्ति के लिए बढ़ाने के लिए सब हेल्प करते हैं। हम उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, ऑफकोर्स भगवान तो क्षमा करेंगे, भगवान तो हम मतलब जो भी भक्ति कर रहे हैं भगवान उतना ही ग्रहण करते हैं, जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से, लेकिन ऐसा फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये दोष नहीं, दोष है, ना कर पाना दोष है, 32 प्रकार के अपराध है, एक्चुअली 64 प्रकार के अपराध बताते हैं भगवान की सेवा में, सेवा अपराध 64 प्रकार के होते हैं, और उनमें से एक भी करें तो वो अपराध है, गलत है कि नहीं, तो हम लोग तो करते हैं। और उसी प्रकार से कोई भी कार्य करते हो उसमें कुछ आसक्ति रहता है, कुछ भौतिक चेतना उसमें मिक्स रहता है, काम वासना रहता है उसके अंदर, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सदोषमपि न त्यजेत, ये सारे दोष उसके अंदर हैं फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वो उसी से आप प्योरीफाई होते हैं। उसी प्रकार से हरिनाम जप करने के समय पर कैसे जप करना चाहिए,
वो तो उच्चारण है, कैसे कैसे करना चाहिए, ध्यान पूर्वक करना चाहिए, 10 अपराधों से बच के करना चाहिए, 10 अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम ध्यान पूर्वक करते हैं क्या? हाँ, हमारा मन नहीं भटकता है। हाँ, तो ऐसा हम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं बोल के छोड़ देना, ये सही नहीं है, करना चाहिए फिर। हाँ, इसी से हमारा प्योरिफिकेशन होता है। इसी प्रकार से कोई अपने कार्य को, जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य जब युद्ध कर रहे थे तो सारे देवताएं, मतलब द्रोणाचार्य पागल जैसे युद्ध कर रहे थे, सबको मारते जा रहे थे। पहले सेनापति कौन थे? भीष्म। पहले 10 दिन तक वो सेनापति, 18 दिन के युद्ध में 10 दिन तक भीष्मदेव सेनापति थे। मतलब सारे रूल्स को परफेक्टली फॉलो कर रहे थे सब। हाँ, जैसे सूर्यास्त जैसा हो जाता था, शंख बज जाता था, तो फिर युद्ध नहीं होता था। और बहुत सारे और भी रूल्स फॉलो करते थे, पीठ से वार नहीं करते थे ऐसा। लेकिन जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तो ये सारे रूल्स फॉलो करना छोड़ दिए, रात को भी युद्ध करने लगे और इस तरह से होने लगा। तो फिर क्यों ऐसा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रोणाचार्य जो हैं वो अपने खुद ही अपने स्वधर्म को फॉलो नहीं कर रहे ना, वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को युद्ध करना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो ब्राह्मण को युद्ध करना नहीं चाहिए, फिर भी वो कर रहा है, तो आप अपने स्वधर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ पर यही बता रहे हैं, दूसरों का धर्म को अच्छा से निभाना से अच्छा अपने धर्म को खराब तरीके से निभाना बेटर है। हाँ, यानी अपनों वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं और अच्छा से कर रहे हैं। हाँ, कोई क्षत्रिय भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा, लेकिन वो उनका स्वधर्म नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए वो क्योंकि अपने स्वधर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग भी धर्म को छोड़ दिए, क्योंकि वो लीडर है, वो सेनापति हैं, तो बाकी लोग क्यों फॉलो करेंगे जब सेनापति ही नहीं कर रहे फॉलो। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अपने गुण में, अपने सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव के अनुसार क्या कार्य हम कर सकते हैं उसी में हमको इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि हम कोई और कार्य जिसके लिए हम सूटेड नहीं हैं वो करने के लिए। हम कई बार ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा होता है, अगर कोई इस्कॉन में कोई प्रीचर है तो मैनेजर बनना चाहता है क्योंकि मैनेजर के पास पावर रहता है, और जो मैनेजर है वो प्रीचर बनना चाहता है क्योंकि प्रीचर को तो लोग सम्मान करते हैं और मानते हैं, तो इसलिए वो उसके लिए। सो इट इज़ नॉट राइट। हाँ, उसी प्रकार से कोई वैश्य प्रवृत्ति है तो उसको क्षत्रिय का काम करने की इंटरेस्ट रहती है क्योंकि उसमें पावर पोजीशन रहता है। ऐसा नहीं, जो जिसमें आप आपका स्वभाव के अनुसार जो बेस्ट आप जहाँ सूटेड हो वहाँ रहना आपके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। सो तात्पर्य प्रभुपाद जी ये बता रहे, जैसे खाना बनाते हैं, आखिरी एग्जाम्पल, तो खाना बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जीव मरते हैं, उसका पाप लगता है। ऐसा बोल के खाना नहीं बनाएंगे, बनाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, ये भी नहीं कि हम जानवरों को मार के खाएंगे, वो भी नहीं क्योंकि उसका चेतना जो, जानवरों की चेतना जो है वो तो विकसित है, उसमें उसको मारने से ज़्यादा पाप लगता है, वो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए चलते चलते कोई चींटी मर गया या आग जलाने से जो बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसका जो पाप है वो भगवान क्षमा कर सकते हैं, समझ गया ना? क्योंकि चेतना का फर्क है, कुत्ते में भी चेतना है, गाय में भी चेतना है और चूहे में भी चेतना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, किसी ने पूछा कि कोई चिकन खाते हैं ना, चिकन खाने में पाप लगता है, जरूर पाप लगता है, लेकिन गाय को खाने में महापाप, वो तो महापातक हो जाता है। क्यों? क्योंकि तो कोई बोल सकते हैं ये भी तो जीव है, इसको भी दर्द होता है, गाय को भी दर्द होता है, तो दोनों समान क्यों नहीं है? क्योंकि
इसमें भी चेतना है, इसमें भी पाप लगता है, लेकिन उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है जितनी गाय की है। और गाय के अंदर जितने इमोशंस हैं, जितने फीलिंग्स हैं, वो अलग है, वो थोड़ा हाई है, तो इसलिए उसको मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन चिकन को मारने से भी पाप लगता है, हाँ, वो भी आपको फिर चिकन बनना पड़ेगा, फिर कटना पड़ेगा। लेकिन अगर पेड़ पौधों को भी शाकाहारी है उसमें भी थोड़ा सा पाप लगता है, लेकिन भगवान को भोग लग सकता है। तो भगवान को भोग लगाने से वो जिन जिन पेड़ों से आपने फल लिया या अनाज लिया उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसा बोल के एक एक एक्सट्रीम में क्या है, जो मांसाहार वगैरह करना, पापकारी करना, भौतिकवाद है, और दूसरे एक्सट्रीम में कौन है, ये जैन धर्म है। वो लोग तो आलू भी नहीं खाते हैं, हाँ, और यहाँ पट्टी बांध देते हैं, हाँ, ताकि जो सांस लेते हैं उसमें भी कीड़ा कीटाणु अंदर न जा पाए, हाँ, और मूली वगैरह या ये गाजर वगैरह नहीं खाते, हाँ नहीं खाते हैं। और चलने में भी जो स्ट्रिक्ट है, वो चलने में भी देख देख के ऐसे अपने उंगलियों पे चलते हैं ताकि कोई चींटी ना मर जाए पैर के नीचे, और बोलते हैं अहिंसा। लेकिन वो दूसरी एक्सट्रीम है, लेकिन भगवान वो भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप शाक सब्जियां खा सकते हो, लेकिन भोग लगा के खाओ। उससे क्या है, वो यज्ञ है, यज्ञ में क्या है, कुछ ना कुछ बलिदान तो होता है, लेकिन कलयुग में जानवरों का बलिदान करना वर्जित है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। इसलिए हम शाक सब्जियों को, अनाज को, दूध को भगवान को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगले श्लोक, असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि यानी जिसकी आसक्ति नहीं, इसके बुद्धि भौतिक आसक्ति में लिप्त नहीं है, और जीतात्मा जो अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, विगत स्पृहा यानी भौतिक इच्छा जिसके अंदर नहीं है, स्पृहा यानी इच्छा। संस्कृत के कुछ शब्द सीखेंगे, सीखते रहेंगे तो क्या, कुछ साल में क्या होगा, कोई भी नया श्लोक पढ़ेंगे तो भी उसका मीनिंग, ट्रांसलेशन को पढ़े भी नहीं आप समझ सकते। स्पृहा यानी इच्छा, विगत स्पृहा यानी बिना इच्छा का। हाँ, नैष्कर्म्य सिद्धिम, नैष्कर्म्य का मतलब क्या है, कर्म यानी कर्म, कर्म तो जानते हैं हम, कर्म बंधन। नैष्कर्म्य मानी कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्म बंधन से जो मुक्ति है वो सिद्धि जो है परमाम, वो सबसे सुप्रीम सिद्धि है, जिसमें कर्म करते हो लेकिन उससे उसके बंधन में नहीं फंसते हो, उस सिद्धि को आप अधिगच्छति संन्यास है ना, संन्यास के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। संन्यास, संन्यास का मतलब क्या बताया, नहीं वो कर्म को छोड़ देना जो काम्य है, काम्य कर्म, ऐसा नहीं कर्म को पूरा तरह छोड़ना, काम्य कर्म को छोड़ना, काम्य कर्म को छोड़ना संन्यास, हाँ उस, और लेकिन उन कर्म को करना बिना आसक्ति के जो कर्म है वो उसी को बोलते हैं नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य माने कर्म करना लेकिन उसका बंधन में नहीं फंसना, इसको बोलते हैं नैष्कर्म्य। तो वो सिद्धि को प्राप्त करेगा कौन, जिसका आसक्ति नहीं है, जो अपने मन को कंट्रोल कर लिया है और जिसके अंदर मटेरियल डिजायर्स नहीं है, वो कर्म करते हुए भी उससे उससे बंधित नहीं होगा, वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसको योगारूढ़ कहते हैं। पहले एक अध्याय में भगवान ने बताया, कौन सा अध्याय, पांचवा अध्याय या छठे अध्याय, याद नहीं, क्या बोला ही नहीं। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं कि दो प्रकार के योगी,
एक जो कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त करता है और जो कर्म छोड़ के सिद्धि प्राप्त करता है। जो क्या बोलते आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणम उच्यते, यानी जो भक्ति जो योग में अभी आगे बढ़ रहा है, हाँ इनिशियल स्टेज में है, उसको कर्म करना है, कर्म करते करके ही वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और जो योग सिद्धि प्राप्त कर चुका है वो कर्म को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करता है, समझ गया ना। अगर आप योग में इनिशियल स्टेज में हैं, बाथरूम बंद, योग में इनिशियल स्टेज में है तो आपको योग कर्म करना है, अगर आप योग में परफेक्शन स्टेज में अगर आप हैं तो कर्म छोड़ना, समझ गए। तो कर्म छोड़ना मतलब जो सन्यासी जो सब छोड़ के पुराने जमाने में के जो सन्यासी हैं वो तो पूरी तरह से सब छोड़ के बस भगवान के ध्यान में लगे रहते थे, वो तो सिर्फ वही कर सकता है जो पूरी तरह से योग सिद्धि प्राप्त कर चुका है, यानी उसके अंदर कोई भौतिक आसक्ति बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बता रहे ना आसक्त बुद्धि, यानी उसके अंदर आसक्ति नहीं है, मन को पूरा कंट्रोल कर लिया है, उसके अंदर मटेरियल डिजायर्स नहीं है बिल्कुल, वही सिर्फ ऐसा कर सकता है सन्यास, पूरा सन्यास। लेकिन जिसके अंदर वो सब है उसको कार्य करना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं तीसरे अध्याय में भी बताया यस्त्वात्मर्थरेवस्यादात्मतत्त्वस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, यानी जिसके अंदर सिर्फ आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मा ही में आनंद लेता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उस व्यक्ति को कोई कार्य नहीं, उस व्यक्ति को कोई काम करने की जरूरत नहीं। आरु रुक्षोर मुनेर योगम, आप ढूंढ लीजिए बाद में आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म का। अगले श्लोक सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा अपनोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा अपनोति निबोध मे, ट्रांसलेशन परपोर्ट पढ़ लेते हैं इसका। ओ सन ऑफ कुंती लर्न फ्रॉम मी हाउ वन हैज अचीव्ड दिस, वन हु हैज अचीव्ड दिस परफेक्शन कैन अटेन टू द सुप्रीम परफेक्शन स्टेज ब्रह्मन द स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज बाय एक्टिंग इन द वे आई शैल नाउ समराइज। तो ये कैसे होता है, ये कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है, पहले बताया ना कि जो आसक्ति नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है, मन को कंट्रोल कर लिया, वो सिद्धि प्राप्त करता है। वो कैसे प्राप्त करता है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, वो सुनो फिर अगले तीन श्लोक में भगवान को समझा रहे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यथवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। देखिए वो क्या करता है, देखिए ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind and power of speech, who is always in trance and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger and acceptance of material things, free from false proprietorship and peaceful,
such a person is certainly elevated to the position of self-realization. तो वो कैसे कोई सन्यासी बन सकता है, उसके अंदर ये क्वालिटीज होना चाहिए। कोई सन्यास लेना चाहता है तो चेक करना ये सब है क्या मेरे अंदर। लेना चाहते हो क्या सन्यास? हाँ देखते हैं, देखते हो चेक करो ये क्वालिटीज है क्या तुम्हारे अंदर, एक एक करके टिक करो। पहले क्या बुद्धिया विशुद्धया युक्त, विशुद्ध बुद्धि होना चाहिए, वो है क्या आपके अंदर? नहीं, पहले क्वालिफिकेशन जीरो। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त। उसके बाद धृत्यात्मानं नियम्य च, अपनी धृति से अपनी आत्मा को कंट्रोल, आत्मा यानी मन को कंट्रोल करना, धृति से यानी डिटर्मिनेशन के साथ अपने मन को कंट्रोल करना। करते हो क्या? नहीं करते, मैं भी नहीं कर पाता हूँ ऐसा नहीं। उसके बाद शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, यानी शब्दादि विषयों को छोड़ना। शब्दादि विषयों को छोड़ना मतलब क्या है? हमारे पांच इंद्रियां है ना, पांच इंद्रियों के पांच इंद्रिय वस्तु हैं, कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कान के लिए, स्पर्श, रूप, रस और गंध, गंध इनको छोड़ देना, सिंपल है ना, नॉट सो इजी। शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, तो इसके बाद राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेष को छोड़ देना, यानी ये मुझे पसंद है ये पसंद नहीं है। अच्छा कद्दू का सब्जी बना, अच्छा नहीं। आज परवल का बना, अच्छा। ये राग द्वेष छोड़ देना, ये हमारे लिए है, तो सन्यासी के लिए ऐसा नहीं, हमको भी करना चाहिए कोशिश। लेकिन सन्यासी के लक्षण बता रहे हैं, राग द्वेषो युदस्चार, वो ऐसा नहीं करता है। विविक्त सेवी, यानी भीड़ भाड़ में सब 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 लोगों के बीच में रहना नहीं चाहता, वो एकांत में रहना पसंद करता है, यानी भगवान के ध्यान में। लघु आशी, लघु यानी थोड़ा सा, आशी यानी अशना, यानी क्या देखो अशना का मतलब क्या है? खाना। अशना आशी यानी खाने वाला, अशना यानी खाना, आशी यानी खाने वाला, लघु यानी थोड़ा सा, लघुआशी यानी कम खाने वाला, वो थोड़ा सा खाता है लघुआशी। यतवाक कायमानस, यतवाक कायमानस का मतलब जो अपने शरीर और मन को कंट्रोल कर लिए हैं। उसके बाद ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासित, हमेशा ध्यान योग में रहता है, वैरागी है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, ये सब छोड़ देना। क्या क्या छोड़ देना? अहंकार छोड़ देना, बल, मेरे पास इतना बल है ये छोड़ देना, दर्पम अहंकार, मतलब दर्पम मतलब प्राइड, गर्व छोड़ देना, कामम क्रोधम, काम क्रोध को, परिग्रहम यानी ये मेरा नोटबुक है आप हाथ नहीं लगा सकते, ये मेरा है। परिग्रह यानी लेना, परिग्रह करते ना, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये चीज़ मेरा है, ये वस्तु मेरा है, ये परिग्रह बोलते हैं। परिग्रह मतलब ग्रहण, ग्रह ग्रहण करना बोलते हैं ना, ग्रहण करना मतलब क्या? लेना। परिग्रह यानी उसको मेरा है, ये परिग्रह है, यानी किसी को अपना समझ, किसी चीज़ को परिग्रह है, वो भी छोड़ देना चाहिए। विमुच्य निर्ममः यानी बिना आसक्ति के, शांतो यानी शांति, शांत रहना, ये सारे लक्षण जिसके अंदर है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो यानी वो ब्रह्म स्थिति में स्थित हो गया। इसमें एक भी है क्या? एक क्वालिफिकेशन सिर्फ, कोई भी एक? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन कोई भी एक भी हम नहीं कह सकते हमने अटेन कर लिया है, भक्ति के प्रभाव से होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
भगवद गीता का एक और श्लोक कोट कर रहे हैं, जैसे जो व्यक्ति समुंदर जैसा होता है ना, समुंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं लेकिन उससे प्रभावित नहीं होती, यानी गर्मी के मौसम में बहुत पानी सूख जाता है और बारिश के मौसम में बहुत पानी गिरता है, फिर भी समुंदर वैसे ही रहता है। उसी प्रकार से वो कोई भी चीज़ बाहर कुछ भी हो, अंदर वो एक जैसे ही रहता है, वो है योगी। उसका ये एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया। हाँ, तो अगर कोई भी सन्यासी बनना चाहता है तो 51 से 53 नंबर श्लोक पढ़ना चाहिए। फिफ्टी फोर अगले श्लोक, आज का ये एक और करके हम समाप्त कर देते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो अब देखिए, ये सब होने के बाद भक्ति आएगी। देखो अब ये क्या बताया, अभी ध्यान से सुनिए, ये सारे लक्षण जो अभी ये तीन श्लोकों में जो लक्षण बताए गए हैं, ये सारे लक्षण प्राप्त करने से वो क्या होगा, क्या होगा, ब्रह्म भूजाय कल्पते, यानी ब्रह्म स्थिति में स्थित होगा, ब्रह्म स्थिति में, ठीक है ना, ब्रह्म भूजाय कल्पते यानी ब्रह्म स्थिति में स्थित हो जाएगा। तो जो ब्रह्म स्थिति में स्थित होगा उसका क्या होगा, न सोचति न कांक्षति, वो कभी शोक नहीं करता है और कोई इच्छा नहीं करता, समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, उसको क्या होता है, उसको क्या मिलता है, मद भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। अब देखो पराभक्ति कब मिलती है, जब ब्रह्म स्थिति में आने के बाद मिलती है, और ब्रह्म स्थिति आने के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे लक्षण होना चाहिए। देखो बुद्धिया विशुद्ध आयुक्त, तो शुद्ध बुद्धि होना चाहिए, मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, पांच इंद्रिय विषयों को छोड़ देना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, अकेले एकांत में रहना, कम खाना, अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करना, शरीर को भी ध्यान योग में हमेशा रहना, वैराग्य अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह ये सब छोड़ देने के बाद फिर आप ब्रह्म स्थिति में पैदा आ जाओगे। ब्रह्म स्थिति में आने के बाद आपको भक्ति मिलेगी, और हम सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, कैसे समझ। सो ये है भक्ति, भक्ति इतना ग्रेट चीज है, तब उसको मिलता है, मतलब भक्ति का स्टेज उससे भी ऊपर है, लभते यानी वो प्राप्त करता है भक्ति। तो लोग सोचते हैं भक्ति यानी, भक्ति एक साधन है जिससे मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा सोचते हैं ना लोग कि भक्ति करने से आपको मुक्ति मिलता है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मुक्ति पाने के बाद भक्ति आती है। ब्रह्म भूत है यानी ऑलरेडी वो मुक्ति पा चुका है, ब्रह्म भूत स्थिति में है, उसको भक्ति मिलता है, यानी ब्रह्मभूत स्टेज मुक्ति के बाद असल में भक्ति स्टार्ट होती है। जो रियल भक्ति है वो मुक्ति के लिए करने वाली चीज़ असल भक्ति नहीं, असल भक्ति क्या होते हैं, मुक्ति के बाद करने वाली चीज़, यानी मुक्ति प्राप्त करने के बाद जो किया जाता है वो रियल भक्ति है। हाँ, यानी मुक्ति पाने के लिए साधन नहीं है भक्ति, मुक्ति के बाद भी जो किया जाता है वो भक्ति है, समझ गया ना। बाकी साधन और भक्ति में ये अंतर है, आप कर्मयोग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग, बाकी जो योग है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति प्राप्त करने तक ले जा सकता है कि नहीं, उसके आगे नहीं ले जा सकता, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे कोई भी स्थिति, मतलब किसी न किसी स्थिति में किसी न किसी समय पर ये सब छूट जाएंगे, कर्म करते हैं ना एक समय पर कर्म छूट जाएगा, ज्ञान है ना वो भी एक ना एक टाइम पे छूट जाएगा, लेकिन भक्ति कभी छूटेगा नहीं क्योंकि वो आपके साथ में रहेगा, यानी मुक्ति के बाद भी आपके साथ आगे जाएगा, समझ गया ना। अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं,
हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मोक्ष मोक्ष प्राप्त कर लिया तो वहाँ मतलब उसके आगे और भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी भक्ति किया जाता है, लेकिन वहाँ कर्म ज्ञान और योग और उससे आगे नहीं जा पाते। कर्म ज्ञान और योग जो मार्ग है वो मुक्ति तक ही जा सकता है, मुक्ति से आगे नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति जो है वो मुक्ति से भी आगे जा सकती है। ये फर्क, जैसे मान लीजिए आप जेल में हो, बहुत सुंदर उदाहरण के साथ समझाते हैं, आप अगर जेल में हो तो जेल में से आपको बाहर निकालने के लिए, अगर जेल के अंदर जो पुलिस होता है ना, अगर वो आपको बाहर निकालेगा तो कहाँ तक ले जा सकता है? जेल के गेट तक ले जा सकता है, जेल के गेट तक ले जाके छोड़ेगा। अगर कोई सरकारी अफसर है तो वो आपको कहाँ तक ले जा सकता है? राजमहल के पास तक ले जा सकता है, यानी राजा के दरबार मतलब उसका जो महल है उसके बाहर तक ले जा सकता है। अगर कोई मंत्री है वो कहाँ तक ले जा सकता है? राजा के दरबार तक ले जा सकता है, यानी उनका कोर्ट तक ले जा सकता है कि नहीं? लेकिन अगर रानी जी स्वयं आके आपको कोर्ट से बाहर ले जा रही हैं तो आपको कहाँ तक ले जा सकती है? सीधा राजा के गोद में बिठा सकती है, यानी उनके बगल में बिठा सकती है, सीधा राजा का बेडरूम तक ले जा सकती है, घर तक ले जा सकती है। लेकिन वो सिपाही वो काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहाँ रानी कौन है? भक्ति। वो आपको सिर्फ जेल से बाहर ही नहीं ले जाएगा, ये भौतिक जगत जेल है, वो सिर्फ जेल से बाहर लेके जाना नहीं, सिर्फ शहर में लेके जाना नहीं, सिर्फ राजमहल तक लेके जाना नहीं, सिर्फ राजा का दरबार तक लेके जाना नहीं, सीधा राजा के घर में उनके कमरे तक ले जा सकते, एकदम पास, एकदम खड़ी उनके बगल में खड़ी कर सकते। ये सिर्फ भक्ति कर सकती है, ना कर्मयोग कर सकता है, ना ज्ञान योग कर सकता है, ना अष्टांग योग कर सकता है। वो सब आपको मुक्ति तक ले जा सकते हैं, समझ गया ना? कुछ को एक एक हद तक वो ले जा सकते हैं, लेकिन जो आखिरी मतलब एकदम भगवान के एकदम करीब तक ले जा सकती कोई तो सिर्फ भक्ति है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत स्थिति में जो स्थित होता है, यानी जो मोक्ष मुक्त अवस्था है, ब्रह्मभूत स्थिति यानी मुक्त अवस्था है, यानी शरीर से तादात्म्य बिल्कुल नहीं है उसको, यानी शरीर से कोई आसक्ति नहीं है, पूरा आत्मा की स्थिति में स्थित हो गया है। हाँ, उसके बाद उसको भक्ति मिलती है, यानी भक्ति देखो कितना दुर्लभ चीज है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से और आचार्य की कृपा से, जो हम मोक्ष के बाद जो भक्ति किया जाता है वो हमको अभी करने का मौका मिल गया। मोक्ष के बाद क्या करते हैं? मोक्ष के बाद, अरे बोल, मोक्ष के बाद क्या करते हैं? शुद्ध भक्ति करते हैं ना, मतलब क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। वो लोग वृंदावन में भगवान के धाम में जो वहाँ के जो भगवत धाम वासी जो हैं वो क्या करते हैं? भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के गुण कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वही तो करते हैं। हाँ, और भगवान की सेवा करते हैं, वो तो अभी भी हमको करने का मौका मिल रहा है ना, तो अभी भी हमको करने का मौका मिल रहा है। ऐसे आप अगर मोदी जी से मिलोगे, ए मोदी इधर आ, ऐसा बोल सकते हो क्या? बोलोगे तो क्या करेंगे? लात मार के भगा देंगे ना। उनको क्या बोलना? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपको नमस्कार करते हैं, ऐसा बोलना। लेकिन अगर कोई बोलते हैं मोदी, ऐसा कौन बोल सकता है? नहीं, पर उनका कोई उनकी माता बोल सकती है, उनकी माँ बोल सकती है, उनके पिता बोल सकते हैं, उनके भाई बोल सकता है, उनका कोई क्लोज फ्रेंड है तो बोल सकता है, बाकी सब
कोई और कोई हिम्मत नहीं कर सकते ए मोदी ऐसे बोलने की, है ना। अगर और कोई ऐसा इमिटेट करेगा तो उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार से सब लोग क्या बोलते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा भगवान को बोलते हैं, हे भगवान आपको प्रणाम करते हैं, पहले ओंकार फिर नमो फिर भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ये तरीका है भगवान को का नाम लेने का। कोई ऐसे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो अधिकार चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया कि आप डायरेक्ट सिर्फ नाम से बुलाओ, ओंकार नमो ये सब जरूरत नहीं है। जो करीब के लोग, जो एकदम करीब के लोग जो बोल सकते हैं, जो डील कर सकते हैं, वो डील करने का आपको मौका मिला है हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हाँ अगर अगर मोदी जी कहे तो मुझे मोदी बुलाओ, अच्छा लगता है। तब आप बोले आदरणीय मोदी जी बोलोगे क्या, तब नहीं तब बोलोगे मोदी। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने वो अधिकार हमको दिया है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं, मैं तो नहीं बोल सकता। तो ओम नमो कृष्णाय ऐसा बोलना चाहिए। तो ये स्पेशल प्रिविलेज है, और भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम कीर्तन करना, डांस करना, कथा सुनना। गोपियाँ हमेशा कृष्ण के बारे में कथा करती हैं ना, एक दूसरों के बारे में, किसके बारे में बात करती हैं, कृष्ण के बारे में बात करती हैं। वो मौका हमको मिल रहा है, भागवत में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, उनके अंदर उतना प्रेम है, हम भी वही कर रहे हैं लेकिन हम प्रेम से नहीं कर रहे, और हमारे अंदर बहुत भौतिक आसक्ति है, सारे दुर्गुण हैं, ये फर्क है। उनके अंदर वो ये सारे दुर्गुण नहीं है, भौतिक आसक्ति नहीं है, और उनके अंदर शुद्ध प्रेम है, हमारे अंदर शुद्ध प्रेम नहीं है और भौतिक आसक्ति है, इसीलिए हम वही काम कर रहे हैं जो गोपियाँ कर रही हैं, लेकिन वो आनंद हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि हम वो चेतना से नहीं कर रहे। लेकिन ये करते 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 वो चेतना भी आएगी एक दिन, लेकिन उससे पहले हम ब्रह्मभूत स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आपको बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है, तो गेट से ही जाना पड़ेगा ना, दीवार तोड़ के तो नहीं जा सकते हो ना, गेट से ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम भौतिक जगत में हैं, हमको जाना है भगवत धाम, तो बीच में क्या आएगा, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति पार करके ही जाना है, यानी ब्रह्म भूत स्थिति से आगे, उसके अंदर से जाके ही आगे बढ़ सकते हैं। यानी हम शुद्ध भक्त बनने से पहले ब्रह्म भूत स्थिति से ही को क्रॉस करना होगा, तो क्रॉस किए बिना नहीं जा सकते। तो ब्रह्म भूत स्थिति में ये लक्षण बताया गया था, 51 से 53 तक ये जो लक्षण है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, ओम ओम कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण का ही रूप है, लेकिन वो सीड फॉर्म में है, बीज फॉर्म में। जैसे बीज क्या होता है, बीज के अंदर पेड़ है क्या, बीज के अंदर पेड़ है कि नहीं है, बिल्कुल है, तभी तो उससे पेड़ निकल पा रहा है। बीज के अंदर सब कुछ है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अभी आपको एक प्रकार निराकार ही दिखता है ना, जो बीज होता है उसमें कुछ आपको कोई पत्ते या फल और उसके तने और उसके जड़ें ये सब कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, मतलब एक प्रकार निराकार लगता है, लेकिन निराकार नहीं, उसके अंदर से ये सारे आकार आएगा। उसी प्रकार से ओम ऐसा लगता है कि कोई निराकार, लेकिन वो बीज है, उसके अंदर से ही भगवान का नाम आता है। यानी पेड़ और बीज एक ही है ना, पेड़ और बीज एक ही चीज़ है, लेकिन ये अव्यक्त रूप है और वो व्यक्त रूप है, राइट? ये अव्यक्त रूप है और वो व्यक्त रूप है। सुनो, पेड़ व्यक्त रूप है और बीज अव्यक्त रूप है। उसी प्रकार से
अव्यक्त रूप में जो मंत्र है वो है ओम, और वही व्यक्त रूप में हो जाता है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये व्यक्त रूप है, ये पेड़ पेड़ जैसा स्वरूप है, और बीज जैसा स्वरूप है ओंकार। कोई भी चीज समझने के लिए तो उनका ज्ञान परिपक्व होना पड़ेगा ना, ज्ञान परिपक्व होने तक नहीं समझ पाएंगे, उसको योग्यता भी अर्जन करना पड़ेगा। गीता को सब लोग मानते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको शुद्ध भक्ति की कृपा चाहिए, उसको समझाने के लिए वो रियलाइजेशन आने के लिए शुद्ध भक्ति की कृपा और भक्ति को प्रोसेस को अप्लाई करना जरूरी है। अपने दिमाग से नहीं समझ सकते इस चीज़ को। ठीक है, जय श्रीमद् भगवद्गीता की, प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।